कोई उसकी कॉपी कोई इसकी कॉपी, सब गिस्त पेंसिल मैंने गिस्त दी कॉपी, दस वाला पेन और बीस की कॉफी, हालत इनकी करी चाय में डूबे बिस्किट टोसी, अभी देखे मुझे भागे रखे सर पर पैर, मुड़ के ना देखेंगे घर तक, ये मेरे कागज मेरे शब्दों से लथपथ है, माइक करा लो फिर रैप पर खट खट। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है महाजनपद पीरियड। हम बात कर रहे हैं 600 BC से 325 BC के अराउंड। अब पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ हो रही थी, और याद रखिए जब इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ होती है तो पॉलिटिकल लाइफ अपने आप ही बढ़ने लगती है। यही चीज़ हो रही थी महाजनपद पीरियड के टाइम, जहाँ पहले छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, अब वो बढ़ के हो गए थे जन, जो कि हमने अर्ली वैदिक पीरियड में देखा था, और ये जन बढ़ के हो गए थे जनपद, जो कि हमने देखा था लेटर वैदिक पीरियड में। हमने देखा था कि कैसे भरत और कुरु जन मिलके बन गए थे पुरु जनपद बन गए थे। अब ये जनपद बढ़ के बन जाएंगे महाजनपद। पर सवाल ये है कि इन महाजनपद के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? तो उसकी सोर्सेस हैं जैन लिटरेचर और बुद्धिस्ट लिटरेचर। अब एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ सकते हैं कि बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर के नाम क्या थे जिनसे हमें महाजनपद पीरियड के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर थे अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, और जैन लिटरेचर था भगवती सुत। बुद्धिस्ट लिटरेचर का नाम क्या था बच्चों? अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, और जैन लिटरेचर का नाम था भगवती सुत। इन्होंने 16 महाजनपदों का वर्णन किया, जिसका आप इस मैप में देख सकते हैं। 16 महाजनपदों का मैप है ये, और इसमें आप इजीली सारे जनपदों को देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको बाद में इनकी पोजीशन जानने में हेल्प होगी। अब उस टाइम पे स्टेट्स जो होते थे वो दो तरह के होते थे, मोनार्किकल और रिपब्लिकन। मोनार्किकल स्टेट वो होते थे जो कि किंग रूल करता था उस हिसाब से जैसे वो चाहता है, और रिपब्लिकन मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे जो कि लोगों को रूल करते थे। इन महाजनपदों में से कुछ महाजनपद मोनार्किकल थे और कुछ रिपब्लिकन थे। अब हम सारे महाजनपदों को देखेंगे और उनकी कैपिटल को देखेंगे। घबराइए मत, ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपके लिए इसे बहुत इजी बना दूंगी। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद है मगध। मगध की कैपिटल है राजगृह और पाटलिपुत्र। अब आप सोचेंगे दो कैपिटल कैसे हैं? वो ऐसे हैं कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग राजा मगध को रूल किए थे, और उन्होंने अपने हिसाब से कैपिटल चेंज कर दी थी। इम्पॉर्टेंट कैपिटल राजगृह और पाटलिपुत्र हैं। अब याद कैसे करें? तो मगध में मग आपको साउंड कर रहा होगा मग जैसा, MUG वाला। और ट्रिक ये है कि मग पलट कर गिर गया, मग पलट कर गिर गया, तो ये रहा मग, पलट हो गया पाटलिपुत्र, और गिर गया होगा राजगृह। था ना कितना इजी? अब मॉडर्न एरियाज के रिस्पेक्ट में देखें तो ये मगध एग्जिस्ट करता था पटना और गया में, जो कि कहाँ पर है? बिहार में। अगला महाजनपद है अंग। अंग की कैपिटल है चंपा। अब इमेजिन करिए कि चंपा जो है वो एक लड़की है, और बॉडी पार्ट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंग। तो चंपा का अंग हो गया अंग और चंपा। मॉडर्न एरियाज में देखें तो भागलपुर और मुंगेर, जो कि इस वक्त बिहार में एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पर था अंग। अब हम बात करते हैं वज्जी की। वज्जी की कैपिटल है वैशाली। अब ये तो बहुत ही इजी है भाई, वी फॉर वज्जी और वी फॉर वैशाली, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। मॉडर्न एरियाज के टर्म्स में देखें तो बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली में वज्जी एग्जिस्ट करता था। तो मगध, अंग और वज्जी कहाँ थे? बिहार में थे।
अब हम बात करते हैं महाजनपद की, जो कि यूपी में एग्जिस्ट करते थे। तो सबसे पहला है कौशल। कौशल की कैपिटल है श्रावस्ती। अब श्रावस्ती से मुझे तो याद आता है भाई श्रवण कुमार। श्रवण कुमार याद है ना, जो अपने अंधे माँ बाप को लेके जाता था। तो कितना कुशल इंसान था भाई वो। तो श्रवण से हो गया श्रावस्ती और कुशल से हो गया कौशल। मॉडर्न एरिया में यूपी के फैजाबाद, गोंडा और भरज में कौशल एग्जिस्ट करता था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मल्ल को। मल्ल की कैपिटल है कुशीनारा। अब मल्ल को हम देखते हैं कुश्ती से। मल्ल को क्या बोलते हैं, कुश्ती होती है मल्ल। तो जब आप कोई कुश्ती लड़ता है तो वो क्या लगाते हैं, उसकी पब्लिक देखने वाली नारा लगाती हैं। तो मल्ल देखने वाले क्या लगाते हैं, नारा। तो कैपिटल हो गई कुशीनारा। मॉडर्न एरिया में देखें तो यूपी के द्योरिया, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर में मल्ल एग्जिस्ट करता है। देखिए ये नाम देख के आप इतना डरिए मत, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा बहुत उसकी पोजीशन का आइडिया लगाने के लिए मैं ये आपको बता रही हूँ। फिर आता है वत्स। वत्स की कैपिटल है कौशाम्बी। अब अभी तो महाभारत रामायण का टाइम चल रहा है, तो आपने देखा ही होगा कि बेटे को क्या बोलते थे, पहले वत्स बोलते थे। और जब माँ अपने बेटे को आशीर्वाद देती है तो क्या बोलती है, वत्स खुश रहो। तो खुश से हो गया कौशाम्बी। साउंड कर रहे हैं ना सिमिलर। तो वत्स की कैपिटल हो गई कौशाम्बी और यूपी के इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में वत्स एग्जिस्ट करता था। अब हम आते हैं कुरु पे। अब कुरु तो समझने में मुश्किल होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने को महाभारत का थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो आप जानते होंगे कि पांडवों ने कौन सी सिटी बनाई थी, इंद्रप्रस्थ। तो कुरु की कैपिटल क्या हो गई, इंद्रप्रस्थ। और ये यूपी के हरियाणा और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में रहता है। अब हम आते हैं पांचाल पे। पांचाल की कैपिटल है अहिछत्र और कांपिल्य। अब मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक राजा था, वो चल रहा था। अब राजा है तो बिना छत्र के तो चलेगा नहीं ना। पर अब छत्र में उसे धूप ही नहीं लग रही और ठंड का मौसम था, तो वो ठंड में कांप गया। तो जब राजा चला मतलब पांचाल, छत्र के नीचे चला मतलब अहिछत्र, और ठंड से कांप गया मतलब कांपिल्य। थी ना कितनी इजी ट्रिक। पांचाल एग्जिस्ट करता है यूपी के वेस्टर्न पार्ट में और ईस्टर्न यमुना में। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सूरसेन को। सूरसेन की कैपिटल है मथुरा। अब सूरसेन के आगे अगर हम ए लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, असुर। और आपको पता होगा असुरों का नाश कौन करते थे, कृष्ण जी। और कृष्ण से आपको ऑटोमेटिकली मथुरा याद आ ही जाएगा। तो सूरसेन का असुर, जिसका कृष्ण ने वध किया, और कृष्ण कहाँ के थे, मथुरा के। अब मथुरा तो मॉडर्न डे में भी मथुरा ही कहलाता है। तो यूपी के मथुरा में था सूरसेन। अब हम बात करते हैं चेदी की। चेदी आपको साउंड कर रहा होगा चिंदी जैसा। चिंदी मतलब छोटा सा, पर आपने सुना होगा छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है। और धमाका कौन करेगा, जो जिसके पास शक्ति होगी। तो चेदी की कैपिटल है शक्तिमती और ये यूपी के बुंदेलखंड में एग्जिस्ट करता था। अब हम आते हैं काशी में। काशी का तो ऑटोमेटिकली नाम जब लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वाराणसी आ ही जाता है मुंह के सामने। तो काशी की कैपिटल है वाराणसी और वाराणसी का तो मॉडर्न एरिया भी वाराणसी ही हुआ। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो थे, महाजनपद जो थे, वो कहाँ थे, यूपी में। हुआ याद। अब हम बढ़ते हैं आगे। दूसरा महाजनपद है मत्स्य। ये है राजस्थान में। मत्स्य की कैपिटल है विराटनगर। अब मत्स्य बेसिकली मछली का संस्कृत वर्ड है और मछली से आपको याद आना चाहिए ब्लू वेल। और ब्लू वेल क्या होती है, विराट होती है भाई, बहुत बड़ी होती है।
तो मत्स्य की कैपिटल है विराट नगर, और राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर में मत्स्य एग्जिस्ट करता था। अब हम बढ़ते हैं अशमक की ओर। अशमक कहाँ पर है? साउथ में। अशमक के इस वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करो जो कहता है ऐश। अब भाई किसी की मृत्यु हो गई तो उसकी ऐश को किस में रखते हैं? पॉट में रखते हैं कि नहीं? तो ऐश का अशमक और पॉट का पोतना, इसलिए अशमक की कैपिटल हुई पोतना। और ये नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच एग्जिस्ट करता है। अब भाई ये थोड़ा याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि नर्मदा और गोदावरी के बीच कौन सा महाजनपद था, तो उसका जवाब क्या होगा? अशमक। अब हम आगे बढ़ते हैं अवंती पर। अवंती से आपको याद आना चाहिए अवनति, साउंड कर रहा है ना एक जैसा। अवनति मतलब क्या होता है? डाउनफॉल। और इसकी कैपिटल क्या है? उज्जैनी। उज्जैनी साउंड कर रहा है जैन जैसा, है ना। अब टाइम के साथ क्या हुआ कि जैन रिलीजन धीरे 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 उसकी जो पहुंच थी वो कम होती गई, तो क्या होती गई? उसकी अवनति। तो अवंती से आपको याद आएगा उज्जैनी। और अवंती की दूसरी कैपिटल है माहिष्मति। अब भाई बाहुबली की तो डेथ हो गई थी, तो माहिष्मति का क्या होने लगा? डिक्लाइन। मतलब माहिष्मति की क्या होने लगी? अवनति। तो अवंती से आपको याद आएगा माहिष्मति। अब आप सोच रहे होंगे इसकी दो कैपिटल क्यों हैं? तो भाई अवंती की नॉर्थ की कैपिटल थी उज्जैनी और साउथ की कैपिटल क्या थी? माहिष्मति। और ये थी मालवा रीजन में। अवंती एमपी में है, और एमपी का कौन सा जगह है? मालवा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। कंबोज। कंबोज की कैपिटल है हाटक और राजापुर। इसके लिए भी एक स्टोरी सुन लेते हैं भाई। एक जगह थी, उसका राजा था। अब राजा ने अपने राज्य का पूरा भार खुद संभाल लिया, राजा ने अपने राज्य का पूरा बोझ खुद संभाल लिया। तो जो मिनिस्टर्स उसके यहाँ काम करते थे, उसने क्या किया? उनको हटा दिया कि भाई हम तुमको एक्स्ट्रा सैलरी क्यों दें जब हम खुद ही सारा काम कर रहे हैं। तो जब राजा ने पूरा बोझ खुद उठा लिया, क्या उठा लिया? बोझ। तो मिनिस्टर्स को हटा दिया, था ना सिंपल। बोझ का हो गया कंबोज, राजा का पूरा मतलब राजापुर, और हटा दिया से हो गया हाटक। ये है हज़ारा पाकिस्तान में। अब हम बात करें गंधार, तो उसकी कैपिटल क्या है? तक्षशिला। और तक्षशिला पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एग्जिस्ट करती थी। अब गंधार से मुझे तो साउंड कर रहा है गंधारी, मतलब हमने गन धर ली, मतलब हमने गन को रख लिया। अब गवर्नमेंट बोलती है कि अगर तुम गन रख रहे हो तो तुमको उस पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स। तो गन को धरने में हमें क्या देना पड़ा? टैक्स। तो टैक्स से क्या हो गया? तक्षशिला। था ना सिंपल। अब इम्पॉर्टेंट है कि कंबोज और गांधार ऐसे महाजनपद थे जो कि इंडिया के बाहर एग्जिस्ट करते थे। तो अगर एग्ज़ाम में उन्होंने चार महाजनपद का ऑप्शन दे दिया और पूछा कि इनमें से कौन सा महाजनपद इंडिया के बाहर था, तो उसका जवाब क्या रहेगा? कंबोज या फिर गांधार। याद हो गया? अब थोड़ा क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं, देखते हैं आपने कितने ध्यान से ये वीडियो देखा। तो ये रहे क्वेश्चंस। उज्जैनी लोकेटेड इन मालवा रीजन कम अंडर विच महाजनपद? उज्जैनी जो कि मालवा रीजन में था, वो कौन से महाजनपद में आता है? तो मैंने क्या बोला था? उज्जैनी का जैन और अवंती का अवनति। तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि अवंती और उज्जैनी रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मथुरा द फेमस सिटी वॉज कैपिटल ऑफ विच एंशंट महाजनपद? मथुरा किसकी कैपिटल थी? तो भाई आपको याद आ रहा होगा कि मथुरा में तो थे कृष्ण, और कृष्ण ने किसको मारा था? असुर को मारा था ना, याद है कि नहीं है? ध्यान से देखो यार वीडियो को। तो असुर से हो गया सूरसेन, तो सूरसेन महाजनपद की कैपिटल है
मथुरा। आई होप आपको क्वेश्चंस बन रहे होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम, विच अमंग द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म स्पीक अबाउट 16 महाजनपद। तो मेरी पहली स्लाइड में लिखा था कि बुद्धिज्म के दो टेक्स्ट थे जिसमें हमें महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, और वो कौन था? अंगुत्तर निकाय। क्या था बुद्धिज्म के टेक्स्ट का नाम? अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज नोन एज अवंती इन एंशंट इंडिया। भाई ये क्वेश्चन तो बहुत सिमिलर हो गया इस क्वेश्चन से। तो अवंती जो था वो कहाँ था, उसकी कैपिटल क्या थी? उज्जैनी थी। उज्जैनी मतलब उज्जैन, और मैंने पहले ही बोला था कि अवंती कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में तो भाई सिर्फ उज्जैन ही है। ठीक है, आई होप आपको एक क्लास पसंद आई होगी। ट्रिक्स के माध्यम से आपको सब कुछ याद भी हो गया होगा। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो दोबारा वीडियो रिप्ले करिए और ध्यान से सुनिए। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, और अगर आपके पास कोई दूसरी अच्छी ट्रिक हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मिलेंगे आगे, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।